इंडस्ट्री के एक और एक्टर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का 58 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। दिल का दौरा राजीव कपूर को पड़ा। रणधीर कपूर उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कपूर खानदान में शोक की लहर है, पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। और इन सबके बीच इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, दम तोड़ने से पहले, इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले राजीव कपूर ने किस शख्स को आखिरी बार कॉल किया था। जी हाँ, निधन से पहले राजीव कपूर ने अपने स्कूल के सबसे अजीज दोस्त राजीव खन्ना से बात की थी। बेटी के बारे में खुशखबरी सुनने के बाद राजीव ने तुरंत अपने स्कूल के दोस्त राजीव खन्ना को फोन किया। जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आपको बता दें, इन सभी लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसमें ये सभी लोग एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। इतनी व्यस्त जिंदगी में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये सब एक दूसरे के साथ टच में रहते थे, सभी इस ग्रुप पर एक्टिव थे। सोमवार को राजीव खन्ना ने अपनी बेटी की खुशखबरी सबको दी, उनके नए काम के बारे में बताया। राजीव इतने खुश थे अपने दोस्त की कामयाबी को लेकर कि एक रात पहले उन्होंने राजीव खन्ना को फोन किया और बधाई दी। राजीव कपूर के निधन की खबर जब सामने आई तो राजीव खन्ना ने इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर इस बात का जिक्र किया कि एक रात पहले ही हम दोनों के बीच बातचीत हुई थी। इससे पता चलता है कि इंसान का जिंदगी पर कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी पर भरोसा ना करना ही इसकी सच्चाई को समझना है। किसी भी वक्त क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस जिंदगी को जीने के लिए इंसान इतनी मेहनत करता है, वो कब बेवफाई से उसका साथ छोड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। राजीव कपूर ने अपने दोस्त राजीव खन्ना को निधन से पहले फोन किया, उन्हें बधाई दी। राजीव खन्ना ने कभी सोचा भी नहीं था कि राजीव कपूर द्वारा किया गया ये आखिरी फोन कॉल साबित होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।